हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यमी किचन। और आज मैं बनाऊंगी बर्गर स्टाइल टिकिया पाव। अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। टिकिया पाव बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 4 पाव। इसे मैंने बीच से कट कर लिया है ऐसे, लेकिन लास्ट में मैंने जुड़े रहने दिया है जिससे हमें ये बनाने में आसानी होगी। ये पाव आपको बहुत ही ईजीली मिल जाएगा कहीं भी। कोटिंग के लिए मैंने यूज़ किया है बेसन, और फिलिंग के लिए टोमेटो सॉस, वेज मेयोनीज और चिली सॉस, और मैंने प्याज को ऐसे गोल गोल काट लिया है। आप इसे किसी भी शेप में काट सकते हैं, पर ये ऐसे बहुत ही अच्छा लगेगा दिखने में। टिकिया बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 5 मीडियम साइज़ के आलू को उबाल लिया है और मैश कर लिया है। मैश करते टाइम मैंने इसमें नमक और हरी मिर्च डाला था। अब मसालों में हम डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर और चाट मसाला पाउडर। इन सब को हम आलू में डाल के मैश कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे फिर से। ये देखिए मैंने मिक्स कर लिया है अच्छे से। अब हम टिकिया बनाएंगे। ये देखिए मैंने यहाँ मीडियम साइज़ का टिकिया बनाया है। आप चाहें तो किसी भी साइज़ का टिकिया बना सकते हैं। हम ऐसे आलू को हाथ में लेके रोल कर लेंगे पहले। आपको जितना बड़ा टिकिया चाहिए आप उतना आलू ले सकते हैं, और फिर ऐसे हम प्रेस करते हुए उसे दबाएंगे और टिकिया का शेप देंगे। और अगर हमें लगेगा कहीं से फट रहा है तो उसे भी हम स्मूथ कर देंगे। ये देखिए देखिए हमारा टिकिया रेडी है। तो इसी तरह से मैंने 5 टिकिया रेडी कर लिया है। चलिए अब हम कोटिंग के लिए बेसन में हल्दी डाल देंगे और नमक डाल देंगे। नमक स्वाद अनुसार ही डालें, क्योंकि मैंने आलू में भी नमक यूज़ किया था। और अब हम इसमें पानी डाल के एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे, जो ज़्यादा थिक नहीं होगा और ना ही ज़्यादा थिन होगा। अब हम एक तवा गरम करके उस पर तेल डाल लेंगे। मैं यहाँ टिकिया को डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसे हेल्दी बनाना चाहती हूँ। और आप चाहे तो इसे डीप फ्राई कर सकते हैं, उससे ये और भी ज़्यादा टेस्टी होगा, पर ऐसे ये बहुत ही हेल्दी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं टिकिया को ऐसे बेसन में पूरी तरह से भिगो के उसे पूरा कोट कर दूंगी बेसन में, और फिर हम इसे तवे पे डाल के पका लेंगे। ये देखिए मैं यहाँ 2-2 करके डाल रही हूँ। आप अपने सुविधा अनुसार जितना चाहे उतना डाल सकते हैं। आप ये फ्राई पैन में भी बना सकते हैं, लेकिन तवा में बनाना मेरे लिए बहुत आसान है, इसलिए मैं तवा पे बना रही हूँ। ये देखिए हम पहले एक तरफ से पका लेंगे और फिर इसे ऐसे दूसरी तरफ पलटेंगे। ये देखिए ये पक चुका है एक तरफ से, और कितना अच्छा कलर आ गया है इसका। ये रेसिपी में मैं कोशिश करूँगी कि सब कुछ मैं हेल्दी डालूँ और कुछ भी अनहेल्दी ना हो, इसलिए मैं इसे इतना कम ऑयल में सिर्फ सेक रही हूँ। ये देखिए ये बिल्कुल रेडी है अब। तो इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, और यहाँ ब्रेड में पाव बनाने के लिए हम इसमें पहले ग्रीन चिली लगाएंगे। और ये ग्रीन चिली मैं बहुत ही कम यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आलू में भी ग्रीन चिली डाला था और फिर रेड चिली भी डाला था, रेड चिली पाउडर। तो यहाँ पे मैं ग्रीन चिली सॉस बहुत ही कम लगा रही हूँ, और फिर मैं रेड टोमेटो सॉस लगाऊंगी। ये देखिए ये आप जितना चाहे आप अपनी पसंद से लगा सकते हैं। इसे हम पूरे ब्रेड पे स्प्रेड कर देंगे। मैं दोनों साइड लगा रही हूँ इसे। देखिए अब हम टिकिया को ऐसे बीच में रख देंगे।
और इसके ऊपर हम अपना मेयोनीज लगा लेंगे। मैं यहाँ पे वेज मेयोनीज यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो नॉन वेज मेयोनीज भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे हम पूरी टिकिया और ब्रेड पे लगा लेंगे, आप जितना चाहे उतना लगा सकते हैं। इसके ऊपर मैं ऐसे प्याज रख रही हूँ ताकि आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। और हमारा बर्गर स्टाइल टिकिया पाव बिल्कुल रेडी है। ये बहुत ही टेस्टी और यमी होता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।